जसलीन क्या कहना चाहेंगे, राज का जन्मदिन है जी, फिल्म भी हिट हो चुकी है, डबल सेलिब्रेशन है क्या? बिल्कुल, इनफैक्ट मैं आज ही देख कर आई हूँ, आज शाम को ही मैंने डिसाइड किया एंड देन मुझे पता लगा दैट आई हैव टू कम हियर एंड इट्स अ लवली फिल्म, उनका बर्थडे भी है और इट्स आई थिंक इट्स अ वंडरफुल फिल्म, बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत ही लाइट है और बहुत मज़ा आया देखकर। उनका जन्मदिन है, क्या आपकी तरफ से बेस्ट विशेज होगी? सबसे पहले तो मैं उनके लिए कुछ गा दूंगी, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुझे हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू राजी, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। जसलीन, इसके अलावा बिग बॉस 13 जी बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, प्रोमो आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे, आपकी कोई स्पेशल अपीयरेंस देखने मिलेगी हमें? You never know, कुछ नहीं कह सकते और मेकर्स के दिमाग में क्या है, क्या सोच रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते। बहुत सी बातें हो रही है कि राखी सावंत के शायद हस्बैंड आने वाले हैं, तो उन्हें देखना चाहूंगी मैं, और अगर वो मुझे बुलाते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे देखेंगे दोबारा। तो क्या आप मिले हैं राखी सावंत के हस्बैंड से? मैं उनसे नहीं मिली हूँ, मैं राखी से पूछ सकती हूँ, लेकिन आई थिंक वो शो पे देखने का एक्साइटमेंट जो होता है वो कुछ और ही होता है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि अब क्या होता है, कौन कंटेस्टेंट्स होने वाले हैं वो पता चलेगा। आई थिंक 29th को शादी हो चुकी है राखी सावंत की? हो तो चुकी है, सभी तो कह रहे हैं, जब ये तो वो खुद ही कह रही है बात, ये वो खुद ही कह रही है ये बात जी, आई थिंक हाँ कन्फर्म बात है ये, मैंने उनसे पूछा नहीं है, लेकिन आप लोगों की ट्रेंडिंग और वो सब न्यूज़ देख के ही मुझे लग रहा है कि हो ही गई होगी, अब इतना अगर बज़ है तो। जसलीन, इसके अलावा इस बार बिग बॉस में कम्युनर्स नहीं है, जी, सेलेब्रिटीज है, जी, तो वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई डोंट नो अभी क्या है, एज ऑफ नाउ कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं क्या होता है, 29 को पता चलेगा, सबको पता चल जाएगा कि कॉमनर्स है या सेलेब्रिटीज है ना। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बताइए सर, हाँ भाई, आज तो होना ही पड़ेगा क्योंकि अभी राज बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया है तो, और बॉलीवुड में तो आपको पता है कि जो बड़ा है उसी की वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है। आप रिव्यू देते हैं, क्या कहना चाहेंगे, आपके रिव्यू का सबको इंतजार रहता है, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा रहता है, आपको पसंद आता है कि नहीं? बस ख़त्म। तो देखो कैसा रहता है, अच्छा रहता है, बुरा रहता है, ये तो पब्लिक डिसाइड करती है, पब्लिक देखती है मैं रिव्यू करता हूँ, पब्लिक ना देखती तो मैं नहीं करता। हाँ जी, देखिए राज बहुत मेरे क्लोज दोस्त हैं और ये फिल्म मिलने से पहले मैंने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप राज को साइन कर ले, राज आने वाले टाइम का बहुत बड़ा डायरेक्टर है। फाइनली बहुत लोगों ने शायद उस बात को नहीं माना और एकता ने उनको साइन किया। यहाँ टैलेंटेड लोग बहुत हैं बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो चांस है। राज की किस्मत में था, राज को चांस मिल गया और राज आज इतना बड़ा डायरेक्टर है। अगर वो चांस उनको ना मिलता तो शायद आज वो यहाँ नहीं होते, और ऐसे और बहुत लोग हैं, अल्लाह करे कि सबको चांस मिले और सब इसी तरह तरक्की करें। भाई बिग बॉस जो है वो शो अब ऐसा हो गया है कि देखिए, मैं बिग बॉस 3 में गया था, एक ही सीज़न बच्चन साहब ने किया था, मैं उसमें गया था, और जब हम गए थे तो बहुत अलग सीज़न था, लड़कियां अलग रहती थी, लड़के अलग रहते थे, सबके बाथरूम्स अलग थे, मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं थी जो आज हैं। तो मेरे ख्याल में आज जो है वो बहुत अलग हो गया, मुझे अब उसे देखने में इतना मज़ा आता नहीं है, बट फिर भी कभी कभी देख लेता हूँ, और इस साल पता नहीं कौन आएंगे, देखते हैं। क्या कह रहे हैं आप? अब जो है बिग बॉस शो में और मुझ में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है, तो अब जाहिर सी बात है मेरी जगह वहाँ बनती नहीं है। सर, आपकी
भाई मैं पिछले एक साल से कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह बस जल्दी ही बहुत नज़दीक हैं हम लोग, शायद विद इन अ मंथ दो फिल्में लॉन्च करेंगे। आपको पता है मैं क्रिटिक हूँ, तो लोग क्रिटिक जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं फिल्म बनाऊँ और मेरी बजाएं। तो मैं कुछ ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ जो ऐसा ना हो, तो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ मैं दो बड़ी फिल्में लॉन्च करूँगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से विश करना चाहेंगे और क्या बेस्ट विशेस होगी आपके? सो आई नो राज सिंस मेनी इयर्स नाउ एंड टुडे ही इज आल्सो हैविंग अ वन सुपर हिट ऑफ ड्रीम गर्ल्स, सो आई विश हिम अ ड्रीम ईयर अहेड, मेनी मोर सक्सेस टू कम एंड ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, सो ऑलवेज बेस्ट विशेस ऑफ माइंड विल बी देयर विद हिम। So Raj and me, we worked together in Comedy Circus that time. He was the writer and I was one of the performers. So ever since we know each other. So yeah, we have always been in touch. And so I'm here today to wish him all the very best and, you know, celebrate his success as well. Thank you so much. Thank you. जी जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी और बर्थडे भी विश करना चाहूँगी। और ड्रीम गर्ल हमने देखी थी, मैं प्रीमियर में भी गई थी और अपने पूरे फैमिली के साथ फिर गई थी, सो इट्स अ वंडरफुल मूवी एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। भारत टेक्नोलॉजी में